अब हमारे गुलबर्गा इलाके में क्या हो गया, दो लोगों का मर्डर हो गया, दो लेब कामरिक लोग जो है ना काम करते थे, उनका काम के नाम पे लेके जाके मर्डर कर दिया। तो मर्डर आज तक जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट कौन मर्डर किया है उसको अंदाजा नहीं लगा सके और उसको फाइंड आउट नहीं कर सके। वो काम करना है और लेबर लोगों को प्रोटेक्शन देना। और ये लेबर जो है ना तीन एरिया में, अभी देखो स्टेशन के सामने, ओम नगर के गेट के भी सामने भी है, और मजगूरी कौन लेके जा रहे हैं, नाम लिख के लेके जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड पर कार्ड, अगर कौन भी लेके जाएगा बराबर हमको आइडेंटिफाई होता है ये आदमी लेकर गया, कल के दिन हमको मालूम होता है कि वो ऑफिस आया कि नहीं। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Ashok Guli, Jilla NDC ke adhyaksh hu, Gulbarga. Aaj jo hai na labor department mein bahut sare isle पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में भी चलते हुए आ रहे हैं क्या, बहुत सारे ओआर कोरोना पीरियड में भी हो गया, उस टाइम पे भी बहुत सारे किट, फूड किट हो गया, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने में ओआर हो गया, टूल किट, हेल्थ किट, ऐसा सो मेनी किट्स देने में ओआर हो गया। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा इसमें, लेकिन एक साल हो गया ऑलरेडी, सुधार तो हम नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अभी भी हमको विनती करते हैं कि सुधार में लाओ। तो क्या क्या विषय में सुधार लाना बोलो तो, फर्स्ट जो बच्चे लोगों को जो एजुकेशन है उनको स्कॉलरशिप रिलीज करना, दो साल से स्कॉलरशिप नहीं दिया अभी तक। और दूसरा जो हेल्थ किट और जो फूड किट और टूल किट, ये जो इसके अंदर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन इसका जो है ना ज़रूरत नहीं है। हम ये बोल रहे हैं जो हेल्थ किट के बारे में, जो हेल्थ रियली जो ये है उसका तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने जो है ना हॉस्पिटल में बताता है, हॉस्पिटल बताने के बाद जो है ना बिल रिएम्बर्समेंट करो, सिंपल है। हर एक को जो है ना हेल्थ किट के नाम पे पूरे लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं, जिसका हेल्थ ठीक नहीं है उन्होंने दवाखाने जाएगा, उन्होंने जो है ना वो मेडिकल सर्टिफिकेट लाएगा, जो बिल्स लाएंगे उनको रिएम्बर्समेंट कर दे, जिस जिस। और जो एजुकेशन लैपटॉप है, लैपटॉप तो जरूरी है देना है, लेकिन क्या है उसका प्राइस, जो रियल प्राइस है, तो बहुत सारे लोगों को जो है ना जो रियल प्राइस है, आजकल जो है ना टेंडर है वो है, बहुत सारे ये है, लेकिन वो हिसाब से कम जो अच्छा क्वालिटी जो लैपटॉप देता है उनको जो है ना ऑर्डर देना है। लेकिन उसमें भी अवार पिछले गवर्नमेंट भी हो गया, अभी भी हो रहा बोल के तो हमको कुछ बहुत मालूम हो रहे हैं, लेकिन क्या हो गया ये सब कुछ जो है ना आज गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देना लेबर के तरफ। अब हमारे गुलबर्गा इलाके में क्या हो गया, दो लोगों का मर्डर हो गया, दो लेब कामरिक लोग जो है ना काम करते थे, उनका काम के नाम पे लेके जाके मर्डर कर दिया। तो मर्डर आज तक जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट कौन मर्डर किया है उसको अंदाजा नहीं लगा सके और उसको फाइंड आउट नहीं कर सके। वो काम करना है और लेबर लोगों को प्रोटेक्शन देना। और ये लेबर जो है ना हमारे तीन इलाके हैं यहाँ गुलबर्गा में, तीन जगह पे है, तीन एरिया में, अभी देखो स्टेशन के सामने कम से कम 2000 लोग वहाँ पे जो है ना आके ठहरते सुबह में काम के लिए, जो आके काम लेके जाते हैं, तो वैसा ही है जो है ना ओम नगर के गेट के भी सामने भी है, और मजगूरी, ये तीनों जगह पे जो है ना बहुत सारा लोग आके ठहरते हैं। लेकिन हमको ये फाइंड आउट करना है तो कौन लेके जा रहे हैं, उनको जो है ना खाली नाम लिख के लेके जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड पर कार्ड, अगर कौन भी लेके जाएगा बराबर हमको आइडेंटिफाई होता है ये आदमी लेकर गया, कल के दिन हमको मालूम होता है कि वो ऑफिस आया कि नहीं आया। दूसरा, आज तक हम जो है ना लेबर डिपार्टमेंट के साथ इसका बारे में मीटिंग किया है, तो लेबर डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्शन देते बोल के बोले, पुलिस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन देते बोल के हम जो है ना मीटिंग भी किया, दो तीन मीटिंग हो गया, वो मीटिंग में भी तय हो गया कि फलाना फलाना एरिया में जो है ना हम ये करेंगे, पुलिस एक कॉन्स्टेबल डालेंगे, लेबर डिपार्टमेंट के एक आदमी को डालेंगे, वहाँ पर जो है ना उनका नाम लेबर डिपार्टमेंट नाम लिख लेंगे, ये सब बात हो गया, लेकिन खाली बातों में रह गया, काम इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। और दूसरा बात, जो लोग डेथ हो गया उनको कम से कम 5 लाख रुपए जो है ना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, अभी तक जो है ना वो नहीं मिला है। उनका जो डिपेंडेंट्स है वो बहुत सारे तकलीफ में है, क्योंकि जो काम करने वाला लोग ही गुजर जाने के बाद उनका ज़िंदगी कैसा चलेगा, तो ये सब बहुत सारे समस्या है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान दो, तो कार्मिक इलाके में जो भी चल रहे हैं अव्यवहार उसके तरफ ध्यान दो,
जो बच्चों के एजुकेशन के बारे में ध्यान दो, बच्चों के एजुकेशन बारे में आप प्रोत्साहन दो। हम ये बोलते हैं गवर्नमेंट को, आपका जो बजट, जो आपका जो फाइनेंशियल बजट है, इसका कोई धक्का नहीं देता है, क्योंकि ये अमाउंट जो चेस के जरिए से कलेक्ट हो रहा है, ये अमाउंट से आपको कुछ आपका बजट के ऊपर बर्डन नहीं होता है। खाली जो है ना, आप जो चेस का अमाउंट है, बहुत सारे अमाउंट है, उसको सही यूटिलाइज करना है और सही कार्मिक लोगों को उसको जो है ना खर्च करना है। तो आप ये इतना काम कर दिया तो कार्मिक लोगों के ऊपर बहुत बहुत आप मेहरबानी करें। जैसे होता है, हम ये बोलते हैं कि आप जो लोगों को जो है ना, पूरे कार्मिक लोगों को, कार्मिक इलाके को, कार्मिक मिनिस्टर को, आपका उनको आशीर्वाद मिलेगा लोगों वर्कर का तरफ से। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.